गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एस आर एस आई ए एस एंड लॉ अकेडमी आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है साइंस एंड टेक में एक टॉपिक होता है डिजीज़ का तो ये टॉप ये जो आपकी क्लास होगी वो उससे रिलेटेड होगी तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लासा फीवर के बारे में ये जो है अफ्रीका में ये फीवर जो है ये जनरली पाया जाता है तो देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है रिसेंटली अ स्टडी हैज फाउंड दैट द क्लाइमेट चेंज मेड डिट द स्प्रेड ऑफ लासा फीवर विच इज़ एंडेमिक टू पार्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका टू सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इन द नेक्स्ट फिफ्टी ईयर्स ठीक है तो एक रिसेंटली एक स्टडी आई है जिसमें ये पब्लिश किया गया है या ये बताया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज जो है जिसकी वजह से ये जो लासा फीवर है वो और ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है जो कि फिलहाल अभी तक जो था सिर्फ वेस्टर्न अफ्रीका के पार्ट्स तक ही एंडेमिक था लेकिन ये जो फीवर है सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है अगले 50 साल में वहां पे भी ये फीवर जो है वो स्प्रेड कर सकता है तो अब देखते हैं रिपोर्ट्स जो है उसकी क्या क्या फाइंडिंग्स जो है देर वुड बी अ सिक्स हंड्रेड परसेंट जम्प इन द नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू द वायरस डेट कॉज लासा फीवर कि रिपोर्ट ने ये पाया कि जो 600 हंड्रेड परसेंट जम्प जो है वो आ सकता है किसमें द नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज्ड टू द वायरस दैट कॉज लासा फीवर द नंबर ऑफ पीपल एट द रिस्क एक्सपोजर राइज टू 453 मिलियन बाय 2050. Uh, अभी जो है uh, 92 मिलियन पीपल जो है 2022 में वो इसके रिस्क में है ठीक है जिनको जो है ये लासा फीवर जो है उसके रिस्क में है लेकिन ये नंबर जो है 453 मिलियन तक जा सकता है 2050 तक और 700 मिलियन तक जा सकता है 2070 तक ठीक ट्वेंटी सेवेंटी तक एंड एस्टिमेट ऑफ 80 परसेंट ऑफ इन्फेक्शन माइल्ड और एसिम्टोमेटिक एक एस्टिमेट जो है जिसमें यह पता चला है कि जो 80 परसेंट जो इन्फेक्शन होते हैं वो माइल्ड होते हैं और एसिम्टोमेटिक होते हैं ए सिम्टोमेटिक होने का मतलब ये होता है कि उसके सिम्टम्स के बारे में जो है वो पता नहीं लग पाता है तो इस वजह से ये जो वायरस होता है उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है. जब तक डिटेक्ट नहीं होता तब तक इसका जो है टाइम से इलाज नहीं हो पाता बट द रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट कैन कॉज हेमोरेजिंग फ्रॉम माउथ एंड गट माउथ एंड गट लो ब्लड प्रेशर एंड पोटेंशियल परमानेंट हेयरिंग लॉसेस, लेकिन ये जो 80 परसेंट जो इन्फेक्शन है ये माइल्ड होते हैं ठीक है लेकिन ये जो रिमेनिंग 20 परसेंट होते हैं ये क्या कॉज कर, कर सकते हैं हेमरेज कॉज कर सकते हैं फ्रॉम माउथ टू फ्रॉम द माउथ एंड गट गट ठीक है ये माउथ और गट में हेमरेज जो है वो कॉज कर सकते हैं उसके अलावा लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है और उसके अलावा परमानेंट हियरिंग लॉसेज मतलब कंप्लीटली जो है वो लोगों को सुनाई देना बंद हो जाता है ये इसमें जो आपका ये जो लासा फीवर है ये जो 20 परसेंट जो है जो इन्फेक्शन जो है उसमें ये कॉज कर सकता है उसके अलावा टेम्परेचर रेनफॉल एंड प्रेजेंस ऑफ लैंड एरियाज आर की फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ट्रांसमिशन ऑफ लासा फीवर जो रिपोर्ट ने बोला है कि जो टेम्परेचर रेनफॉल और जो प्रेजेंस ऑफ पेशर लैंड है वो एक की फैक्टर जो है वो साबित होता है किसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो ट्रांसमिशन ऑफ लासा फीवर में इफ द वायरस इज सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस एंड प्रोपिकेटेड इन न्यू इकोलॉजिकल सुटेबल एरियाज इट ग्रोथ वुड बी लिमिटेड ओवर द फर्स्ट एकेट्स नेक्स्ट देखते हैं लासा फीवर के बारे में अब पहले हमने देखा इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या क्या पाया गया अब देखते हैं लासा फीवर के बारे में द लासी वायरस इज फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका एंड वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1969 इन लासा नाइजीरिया नाइजीरिया में एक जगह है लासा 1969 में ये पहला वायरस जो है वहां पे फाउंड किया गया था द वायरस इज सिंगल स्ट्रैंड आर वायरस सिंगल स्ट्रैंड आर वायरस होता है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है एरिना वायरेडे ठीक है एरिना वायरेडे फैमिली जो है उससे ये वायरस बिलोंग करता है आपसे क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है ठीक है कौन सी फैमिली से ये लासा फीवर जो है कौन से वायरस से कॉज होता है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आर वायरस होता है ठीक है और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है तो वह अरिना वायरेडी उसके अलावा सबसे पहले कहां पे फाउंड किया गया था वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया कंट्री और जो जगह थी उसका नाम था लासा ठीक है द फीवर इज स्प्रेड बाय रैट्स ठीक है किनके द्वारा स्प्रेड होता है स्प्रेड बाय रैट्स ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है And is primarily found in countries in West Africa, including Sierra Leone, uh, Liber uh, Liberia, or uh, Guinea and Nigeria, okay, where it is endemic. ये कौन से rats जो हैं, जिनके जिनके जो through ये जो virus है, वो फैलता है, तो ये है Mastomys, ठीक है, Mastomys rats के द्वारा ये virus जो है, वो फैलता है, potential

According to the European Center for Disease Prevention and Control, about 80% of the cases are asymptomatic and therefore remain undiagnosed. 80% जो cases होते हैं वो asymptomatic होते हैं जिस वजह से उनका जो diagnosis है वो नहीं किया जाता. उसके अलावा देखते हैं transmit कैसे होता है. A person can become infected if they come in contact with household items of the food that is contaminated with the urine or feces of an infected rat. अगर जो है infected rat जो है जिसके जिसको जो Lassa fever जो cause कर सकता है, अगर वो person जो है ऐसे food items के contact में आ, आ जाए जो contaminated है with the urine or feces of an infected rat, तब ये जो Lassa fever जो है ये

ठीक है, फैल सकता है कब फैलेगा जब इफ अ पर्सन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद सिक इनड बॉडी फ्लूड अगर सिक पर्सन के इनफेक्टेड बॉडी फ्लूड के साथ जो कोई दूसरा इंसान जो है कॉन्टेक्ट में आता है इंफेक्टेड बॉडी फ्लूड क्या क्या हो सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आईज नोज और माउथ ठीक है इसके थ्रू जो है ये लासा फीवर जो है वो स्प्रेड होता है उसके अलावा देखते हैं अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं माइल्ड सिम्टम्स इंक्लूड स्लाइट फीवर हल्का सा बुखार हो जाएगा फटीग होगी थकावट होगी वीकनेस होगी और हेड होगी सीरियस सिम्टम्स इंक्लूड ब्लीडिंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग वॉमिटिंग फेशियल स्वेलिंग पेन इन द चेस्ट बैक एंड एबडोमिन एंड शॉक्स डेथ कैन अकल फ्राम टू वीक्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स यूजअली एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टी ऑर्गन फेलियर धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है जिस वजह से जो इंसान है उसकी डेथ भी हो सकती है हालांकि डेथ रेट जो है वो वन परसेंट ही है उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो वायरल जो ड्रग्स जो हैं उसके बारे में देखते हैं द एंटी वायरल ड्रग राइबावीन ठीक है

ठीक है ये जो ये स्लाइड में ये सारा जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो आप देख सकते हो ठीक है उसके अलावा ये एक जोनॉटिक डिजीज है ठीक है जोनॉटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो आ, एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर ट्रांसमिट होती हैं ठीक है थीके? तो ये जोनॉटिक डिजीज है ये आपको पता होना चाहिए उसके अलावा उसके जो बाकी सब जो इस स्लाइड में दिया है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है थीके? तो आज की जो हमारी क्लास थी वो लासा फीवर के बारे में थी इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके जो नोट्स हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे और उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी थैंक यू सो मच